हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जो है, मैं आज दोपहर में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, अभी 12 से ज़्यादा हो रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ सुल्तानपुर और रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ मेरे को सुबह टाइम नहीं मिल पाया और आज जो है मैं हो सकता है कि लेट नाइट तक, मतलब शाम तक वीडियो शूट करूँ, क्योंकि घर वाले आ रहे हैं, जैसे चाचा हो गए और चाची, अनुज, अनुराग, भैया, तो 5-6 लोग आ रहे हैं आज घर में, क्योंकि 10 तारीख को हमारे यहाँ निमंत्रण है। तो इस वजह से मतलब घर में ही है प्रोग्राम, क्योंकि बाबा जी की हमारे जो है डेथ हो गई थी 1 साल पहले, तो बरसी है उनकी, इस वजह से। और अभी जो है मैं ब्लॉग शूट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मैं चल रहा हूँ अभी सुल्तानपुर, वहाँ पे एक गाड़ी है, उसके बाद मेरे को नौते भी देने हैं, तो जब तक गाड़ी मतलब क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन करूँगा, तब तक वीडियो शूट करूँगा, उसके बाद घर आके करूँगा, क्योंकि ऐसे मतलब सबके यहाँ जाओ यार, निमंत्रण दो सबको और वहाँ जाके ब्लॉग शूट करो, तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है। जब आप थोड़ा मतलब फेमस हो जाते हो, थोड़ा आदमी आपको जानने लगते हैं, तो जो है आप ऐसा करो तो किसी को मतलब थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे ऑकवर्ड लगता है कि हाँ लोगों को भी मतलब क्या आके ऐसे वीडियो शूट कर रहा है हम सबके साथ में, तो वो चीज़ थोड़ा मतलब लोगों को ख़राब लगता है। तो अभी चल रहा हूँ सुल्तानपुर और वहाँ पर जब ब्लॉग शूट कर लूँगा, मतलब सॉरी, अभी चल रहा हूँ सुल्तानपुर, वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लूँगा, उसके बाद जो है आगे की वीडियो देखो, अगर टाइम लगता है तो आज अभी मतलब दिन में शूट करेंगे, नहीं तो शाम को जब मैं घर जाऊँगा तब तो वीडियो शूट होगी, क्योंकि सारे लोग आ रखे होंगे। लेकिन गाइज़, मैं एक चीज़ से काफ़ी मतलब दुखी हो गया हूँ यार, कि ऐसे बाइक चलाते हुए मैं मतलब अपनी बाइक चला रहा हूँ और सामने से बंदा जो है थूक देता है, जैसे इधर से मैं जा रहा हूँ, इधर से कोई और भी जा रहा है, आगे जाके थूक देता है, तो आगे हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो जो गुटखा खाने वाले लोग होते हैं ना, इनसे सबसे यार मतलब समझ लो इतना ज़्यादा मेरा क्या बोलते हैं दिमाग ख़राब हो गया ना। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि आगे बंदा जा रहा है गुटखा खाते हुए और थूक देता है, वो तो सोचता है कि जहाँ पे थूक रहा हूँ वहीं पे गिरेगा, लेकिन आके उड़ के जो पीछे आ रहा था उसके ऊपर पड़ जाता है। तो यार ये चीज़ गलत है। जो गुटखा खाने वाले भाई लोग हैं या फिर आंटियाँ हैं, अभी मैं आ रहा था तो एक आंटी ने जो है थूक दिया, वो तो मेरे ऊपर पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आगे जो है थोड़ा मतलब आगे जाके गिर। तो आ गया हूँ गाड़ी पर, जो गाड़ी मेरे को करनी थी, और इनकी गाड़ी देख कर यार मतलब अलग ही लग रहा है कि मतलब दूसरे ही अलग ही लेवल की है, थोड़ा मतलब अपनी सुविधाओं को इन्होंने ध्यान में रखते हुए। आपने करा है कि गाड़ी मालिक क्या? अच्छा, तो इनकी जो गाड़ी है यार, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी मतलब मैंने और भी गाड़ियाँ देखी है, मतलब इस मॉडल की गाड़ियाँ, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करवाया, बट इन्होंने तब भी मतलब काफ़ी कुछ मतलब देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा इनकी वायरिंग मेरे को बहुत ख़राब लग रही है। वायरिंग किसने की? दोबारा खोल खाल के कर दिया है ना। अच्छा, तो वायरिंग मिस्त्रियों की खाली एक ही गड़बड़ होती है कि ये लोग जो है मतलब अपना काम जैसे जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से करके तार वार काट के निकल लेते हैं, तो मतलब सफाई नहीं रखते मिस्त्री। ऐसा काम करना चाहिए कि अगले को जो है मतलब अब इसमें अच्छा लगे। हाँ, देखने में अच्छा लगे। अगर आप लोग पहले इनकी वायरिंग देखो, ये यहाँ की इनकी जो वायरिंग है मिस्त्री ने जो कर दी है, बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम उलझा दिए तार। बाकी का जो डैशबोर्ड वगैरह है, मेरे को सबसे मस्त तो इनका ये लगा जो इन्होंने क्या बोलते हैं LCD लगवा रखा है TV वगैरह देखने के लिए, तो बहुत ही सही है। और बाकी अशोक लीलैंड में इतना मतलब डैशबोर्ड ऐसे जो है मतलब इतना ही रहता है ये, तो इन्होंने अलग से इसको लगवाया है, कितना मस्त लग रहा है। और पूरा कैबिन देखो, बहुत ही सही है, और इसमें काफ़ी जगह भी है, मतलब इसमें लेट भी सकते हैं, तो इसी में ही बताओ इनकी इतनी मतलब सारी लाइफ समझ लो लगभग ड्राइवर्स की कट जाती है ही इतने में। तो आप लोग देखो पीछे कि इन्होंने इतने में ही बर्तन वगैरह अपना रख रखा है, और हम लोग जो है इतना बड़ा बड़ा किचन बनवा लेते हैं और उसमें सामान रखते हैं खाने का और सब कुछ, लेकिन ये बेचारे जो है इतनी जगह में जो है काफी जो है मतलब इसमें सारा कुछ आ जाता है। तो चलो फटाफट इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो शूट करते हैं। तो फाइनली वायरिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और काफ़ी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद यहाँ मैं दिखा दूँ आप लोगों को कि यहाँ पे 2 GPS पड़े हुए हैं, और जो GPS लगाए थे मतलब उन्होंने यार वायरिंग की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने भी, और जो और इसमें कुछ प्रॉब्लम थी वायरिंग में, तो इन्होंने मिस्त्री बुलाया था, मिस्त्री ने भी जो है उसका मतलब काम ख़राब कर दिया। तो अभी सारे वायर्स मतलब काट के जो जगह जगह कटे तो उसको एक जगह करके मतलब नए सिरे से उसको टेपिंग वगैरह करके सारा कुछ एकदम ओके कर दिया है, और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ काम करके, बाकी नौता वगैरह दिया, और ये देखो दोनों जने आ गए हैं। हेलो गाइस, ये व्हाट्सअप गाइस, अनुज
जब मैं और अनुज गए थे वहाँ पे क्या बोलते हैं शिमला घूमने हैं ना। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका आज की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। गेम प्ले नहीं यार, ब्लॉग चैनल है हमारा, ब्लॉग वीडियो में, ब्लॉग वीडियो है हमारी। और गेमिंग का चैनल अपना खोलेंगे जब अपना ये चैनल ग्रो कर जाएगा तब गेमिंग। ग्रैंड मास्टर गेमिंग खोल रखा है, वो पुराना चैनल हो चुका है, कुछ नया खोलेंगे मतलब अलग टाइप का, और क्या कहते हैं लोगो वगैरह कुछ मतलब मस्त सा बना के। और टिरू भी आ गया यहाँ पे, टिरू आ गया, टिरू आजा। तो ये टिरू देख रहा है अनुज और अनुराग को, ये थोड़ा मतलब अभी इनको पहचान नहीं रहा ना। नहीं नहीं, हमने हाथ लगाया काफी दिनों बाद जो है, काफी दिनों बाद परदेसी लोग आए तो टिरू आ गया। मैंने टिरू को बिस्किट दिया तो ये देखो अभी ये और मांग रहा है, इसको और चाहिए बिस्किट। उसको हाथ लगाया, हाथ धो लेना, हमारे घर का मेंबर है समझ लो। इसको मैं नहलाता भी हूँ वैसे तो, ये साबुन वगैरह लगा के नहीं नहलाते क्योंकि हो सकता है इसके बाल बाल झड़ जाएं, तो मेरे को पता नहीं है कौन सा साबुन इसको लगता है लगी नहीं। तो मैं इसको नहलाता हूँ कभी कभी, रोज तो नहीं नहलाता लेकिन कभी कभी। अभी ठंडियाँ आ गई तो ठंडी में ये नहीं नहाएगा। His nickname is Turi. Turi नहीं, टिरू। Turi. Nickname है उसका वो। नहीं, टिरू है, टिरू। है टिरू? सही नेम है, निकनेम है वो। नहीं नहीं, ये असली निकनेम नहीं, ये वाला, ये वाला नाम ज्यादा अच्छा है, टिरू वाला है ना। मैं लेकिन टूरी बुलाऊंगा। टूरी। तो आ गया एक और शरारती लड़का यहाँ हमारे बीच में, ये देखो, अरे 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 ये क्या कर रहे हो, नहीं नहीं कूट दोगे क्या हमको, अरे 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 डिस क्यों कर रहे हो यार आप, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे अरे लग जाएगा यार, ऐसे तो हमको चोट लग जाएगी। अच्छा डांस करके दिखा दो गाइस को, डांस करके दिखा दो, बॉल बैट रख के यार, बैट बॉल रखो, फिर ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे डांस करो, फिर हाँ बॉल बैट बॉल ऐसे रख दो, अभी डांस करो, त्री और त्री और त्री, देखना यार फिसल रहा है। अच्छा क्या बोल दिया सुने, अरे बस तो ये देखो अब अनुराग आरुष को उल्लू बना रहा है, अब खुद खेलेगा जब बोले क्या। अरे लाओ दो। तो ये देखो अनुज को फ्री फंडका जो है, फ्री फंडका अनुज को मेडल मिला है, नेट बॉल खेल रहे थे, सिल्वर मेडल मिला है, बताओ वो भी फ्री फंडका। नहीं नहीं, खेला भी है खाली खेला है, जीते नहीं खेला है, खेला है, थ्री टीम्स आई थी, थ्री टीम उसमें ब्रॉन्ज मिला हमें। तो ये देखो हमारे यहाँ गली क्रिकेट चालू हो चुका है, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते हुए और सहवाग बॉलिंग करते हुए, और बताया जा रहा है कि यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ मारो, अरे अरे आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए, सचिन आउट हो गए।